तो आज का वीडियो है कि हम जो बेसिकली अपना जो हार्ड डिस्क में डेटा डिलीट करते हैं तो वो बेसिकली जाता कहाँ है, मतलब वो डिलीट हो जाता है क्या परमानेंटली। तो आंसर है इसका कि नहीं, परमानेंटली डिलीट नहीं होता है, वो वहीं पे होता है जिस जगह पे उसको होना चाहिए, जहाँ पे पहले था, ठीक है। तो फिर होता क्या, फिर डिलीट कैसे होता है? तो बेसिकली कोई भी डेटा होता है ना, चंक्स, वो 1010 के फॉर्मेट में होता है, तो उस डेटा के ऊपर एक एड्रेस होता है बेसिकली, ठीक है। उस एड्रेस से ही पता चलता है कि ये डेटा यहाँ है और इसको ये इतना फाइल इसमें ये डेटा है, ठीक है। तो बेसिकली जब आप इरेज करते हैं कुछ भी, तो बेसिकली आप उस एड्रेस को ही डिलीट कर देते हैं, उस एड्रेस को हटाते हैं, चेंज कर देते हैं, तो जिससे होता है कि वो डेटा नो लॉन्गर एग्जिस्ट करता है, आपको खाली स्पेस दिखता है। आप कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर की मदद से उस डेटा को रिकवर भी कर सकते हैं। घाना में एक जो, मतलब घाना में हुआ था कि जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन वाला घाना का एजेंसी था, वो अपना हार्ड ड्राइव वैसे फेंक दिया इस इरेज करके, और उसके बाद जो है सो वहाँ का जो, मतलब जो गलत लोग थे वो कह लीजिए, वो लोग जो है सो रिकवर कर लिए कॉन्फिडेंशियल डेटा को। तो रिकवर हो सकता है, तब तक रिकवर हो सकता है जब तक तो उसको आप ओवरराइट ना करें, मतलब उस पर फिर से डेटा उसको, मतलब उस पर फिर से डेटा ना भर दें। अगर उस सेक्टर में, उस एरिया में फिर से डेटा चला गया तो आप रिकवर नहीं कर पाएंगे, फिर भी गारंटी नहीं है कि मतलब नहीं कर पाएंगे, हो सकता है कर भी लें। तो यही था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया क्या होगा। तो कभी भी आपका डेटा डिलीट हो तो डेटा रिकवरी के पास जाइए, आपका डेटा रिकवर हो सकता है, और कोशिश कीजिए कि उस पर कुछ और ना डालने का, मतलब जैसा है उसी स्थिति में उसको ले जाइए, रिकवर करने का चांस उसमें बढ़ जाता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आएगा, समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पीस आउट।